अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ। आज मैं आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने माश की दाल ली है एक पाव और उसे एक घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। ये देखें, अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रखूँगी। ये दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और पानी इतना डाला है कि ये दाल से तकरीबन एक डेढ़ इंच ऊपर तक है और मैं इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। और अब हम इसे कवर करके बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब ये हमने इसे तकरीबन 20 मिनट्स बॉयल करना है। ये दाल को मैंने स्टेन कर लिया है बॉयल करने के बाद। ये देखें, ये आपने इस तरह से चेक कर लेना है जिस तरह राइस हम बॉयल करते हैं बिरयानी के लिए, तो एक कड़ी छोड़ते हैं, इस तरह से दाल को भी आपने उसी तरह से रखना है। यानी ये 95% तक गली हुई हो तो 5% अभी ये बाद में पकते हुए हो जाएगी सेट। और जो पानी है इसमें बचा था दाल बॉयल होते हुए, वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो मैंने इस कप में महफूज कर लिया है, वो हम कुकिंग के दौरान इसमें यूज़ करेंगे। ये एक कप ऑयल मैंने हीट अप होने के लिए रखा है। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है। ये इस दाल में लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है तो ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अब ये मैं इसमें ऑयल में डाल दूँगी। अब हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये लहसुन और अदरक सब्ज मिर्च का पेस्ट जो है ये 1 मिनट से फ्राई हो रहा है, ये अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है जिसका छिलका उतार के तो मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसे मज़ीद 1 मिनट फ्राई करते हैं। अभी मेरे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ है। नमक हमने पहले भी डाल लिया था 1/2 टेबल स्पून, तो अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के इसे हम भूनते हैं। दाल बॉयल करते वक्त जो पानी हमने स्टेन किया था उसे अब मैं यहाँ पे छींटा लगाऊँगी। अब मैंने इसमें 5 सब्ज़ प्याज डाले हैं कटे हुए बारीक और मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। प्याज को हमने बिल्कुल मैश नहीं करना, यानी कि खड़ा खड़ा प्याज रहना चाहिए। अब मैं दोबारा से ये यखनी का छींटा लगाऊंगी जो दाल बॉयल करते वक्त हमने स्टेन करके रखी थी। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला तैयार हो रहा है और इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी है। मसाला रेडी है, अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। ये हमारी बॉईल की हुई दाल है, अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि मसाला इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब दाल पक रही है। अब ये जो यखनी बाकी की बची है तकरीबन 1/2 कप, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चम्मच हिला के और अब साथ ही मैंने ग्रीन चिल्लीज ली हैं। ये देखें, ये 9 है मेरे पास ग्रीन चिल्लीज, इसको दरमियान से कट लगा लिए हैं मैंने इस तरह से। अब ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये दाल के साथ तकरीबन 2 मिनट पकेंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी, चेक करते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा इसने घी छोड़ दिया है साइडों पे और ये बड़ी अच्छी सी भुन के तैयार हो गई है। मिर्चें भी कितनी प्यारी लग रही हैं इसमें। अब मैं इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी, जिसे स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और सब्ज़ धनिया ये मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, ये भी मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेते हैं। अब हम बघार तैयार करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और 2 कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। देखें कितना प्यारा फ्राई हो रहा है। अब इसका हम तड़का लगाते हैं। ये लें जी,
जो थोड़ा सा धनिया हमने बचाया था ये मैं इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कर दूँगी। देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। ये एक पाव दाल 4 से 5 अफराद के लिए काफ़ी होती है। अब साथ में हम इसे लेमन के साथ गार्निश कर देते हैं। देखें आप चाहें तो लेमन निचोड़ भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत लुक है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।